नमस्कार किसान साथियों, आज बात करने वाले हैं पालक की खेती में और बात करेंगे कौन सा सीड लगाना चाहिए आपको गर्मियों में और बात करेंगे कि किस तरीके से करना चाहिए कि गर्मियों में जल्द से जल्द इसकी ग्रोथ हो और बात करेंगे दोस्तों कि इसमें भाव कैसा मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कश्यप। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पालक की खेती के बारे में डिटेल्स लेते हैं और पूरी बात करते हैं साफ सुथरा। अब बात कर लेते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में। दोस्तों बेस्ट वैरायटी आती है एक एडवेंटा की गोल्डन पालक आती है, वो काफ़ी अच्छी बेहतरीन पालक मानी जाती है। दोस्तों कलस की भी आती हैं और दो चार वैरायटी और हैं। दोस्तों आप अपने मार्केट में जाइए और बीज भंडार से पूछिए कि आपके एरिया में कौन सी पालक की सबसे अच्छी वैरायटी चलती है। दोस्तों तो आपको बेस्ट से बेस्ट वैरायटी आपको देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं प्राइस इसकी। एडवेंटा की कितनी की आती है, गोल्डन पालक है दोस्तों, तो उसकी आती है कि 650 रुपये किलो आती है दोस्तों। और आप एक बीघा में आप 2 किलो हो जाएगी एक बीघा में। दोस्तों एक बीघा में कितना ट्रॉली खाद डालना चाहिए, दोस्तों एक बीघा में आपको कम से कम 2 ट्रॉली, लगभग 3 भी चल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी में काफ़ी अच्छी जमती है पालक। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं खेती से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ कि अभी मूली सोच रहे हैं तो मूली मत लगाइए गर्मियों में, क्योंकि अच्छी ग्रोथ नहीं होती और वहीं पर सूख जाती है। दोस्तों धनिया के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आने वाली धनिया पर कैसे गर्मी में धनिया कर सकते हैं। इस बार दोस्तों मैंने बताया पालक के बारे में डिटेल से बताया है, आपको उसमें टॉनिक भी डालना है दोस्तों शुरू बाद में, क्योंकि ग्रोथ अच्छी रहे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में पालक करिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ अजय कश्यप, आपका बहुत धन्यवाद।